आशा और पूरी उम्मीद है कि आप मस्त ही होंगे, और आपकी मस्ती में चार चांद लगाने के लिए अब हाजिर हूं एक और टॉपिक क्लास 9 के लिए, साइंस के टॉपिक, बायोलॉजी के टॉपिक, सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत जरूरी है, अगर हम सेल ना समझें, सेल ना पढ़ें, तो फिर बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री में एटम ना पढ़ें, मॉलिक्यूल्स ना पढ़ें, एटॉमिक थ्योरी ना पढ़ें, तो फिर केमिस्ट्री का क्या मतलब। तो बिल्कुल आराम से समझिए, आपको मैंने पीछे एनिमेटेड वीडियो दिया था और आज मैं आपको लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करूँ, है ना। लेक्चर के थ्रू आपको ले चलते हैं हम, कहाँ ले चलें, अपने पीडीएफ पे, और समझाएं फटाफट आपको बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन एक रिक्वेस्ट तो है ना, सही, आप अगर वीडियो देखते हो, पसंद आता है, समझ में आता है, तो थोड़ा इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। जरूरी नहीं है कि भीख मांगने से ही मिला मिले दान दक्षिणा, वैसे भी है ना। तो आते हैं, शेयर करते हैं हम आपसे कंटेंट को और बात करेंगे इसकी। आगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, और जहां तक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सवाल है, तो एक बात और स्पष्ट कर दी जाए कि इस वीडियो को बड़े ख्याल से, आराम से आपने देखना है, कॉपी पेन ले करके देखना है, खाली पीली नहीं। अब देखिए, लेबोरेटरी में अगर हम जानते ही हैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात अपने लैब में देखा ही होगा, और नहीं देखे होंगे तो देखेंगे ही। तो इसमें एक आईपीस होता है, मिरर भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की साइड में हम जिसे भी, जिस सेल टिश्यू को देखना है उसको हम पुट करते हैं, और आई पीस से हम उसको देखते हैं। तो ये सारी बातें तो खैर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल की। सबसे पहली बात तो ये समझें कि इस चैप्टर का नाम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों रखा गया। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी, और यूनिट का मतलब होता है कोई भी चीज जो रिपीटेड होकर के, कोई ऐसे ऐसी चीज, कोई ऐसा सब्सटेंस जो बार बार रिपीट होकर के और किसी खास चीज की फॉर्मेशन करता हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग में क्या बार बार जो ब्रिक्स हैं, ईट है, वो रिपीट होते हैं। ईट को कई सारे ईट का यूज करते हैं, तो वहां पे यूनिट जो है वो ब्रिक्स हो जाता है। वैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। सेल को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि सेल बार बार रिपीट होता है। अब एक सेल थ्योरी है, क्या कहता है कि जितने भी लिविंग थिंग हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने होते हैं, जिसे सेल कहा जाता है। सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इससे मतलब क्या है, यानी कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही टिश्यू के स्ट्रक्चर को हम काउंट करते हैं, वैसे ही ऑर्गन के स्ट्रक्चर को काउंट करते हैं। एक बेस स्ट्रक्चर जो है वो सेल का,
फंक्शन के मामले में भी वही होता है। बेसिक फंक्शन देखो, ऑर्गन अलग अलग है, वो ठीक है। ऑर्गन का जो छोटा भाई होगा उसे हम टिश्यू कहेंगे, टिश्यू के छोटे भाई को हम सेल कहेंगे, ऑब्वियसली कहेंगे। लेकिन हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है ना। कोई डाइजेशन में काम आता है, कोई रेस्पिरेशन में काम आता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, सारे अलग अलग एक्सेप्टी में काम आता है। अब सारे टिश्यू के, सारे ऑर्गन के काम अलग अलग हैं, तो सेल भी उसी तरह से अपने फंक्शन में चेंजिंग करता है। ह्यूमन स्ट्रक्चर सबका सेम है, नाक कान नाक सब कुछ है, लेकिन सारे ह्यूमन के एक ही काम नहीं है ना, सबके अलग अलग फंक्शन है। वैसे इनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्लाइस होते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल के बारे में जो हम कंप्लीट स्टडी करते हैं, उसे हम बायोलॉजी के ब्रांच में, जैसे हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे हम जियोलॉजी करते, बॉटनी करते हैं, एनिमल के स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जियोलॉजी करते हैं। वैसे ही जब हम सेल के स्ट्रक्चर करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो सब साइटोलॉजी। सेल रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, 1665। और जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया गया था लेवन हॉक के द्वारा, वो 1674 में किया गया था। अब जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी 1838 में दिया गया था, और उसने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जो भी लिविंग थिंग, लिविंग थिंग में दो ही आते हैं ना, प्लांट, एक एक डिफरेंसिएशन हम प्लांट में करते हैं और एक जो एनिमल में करते हैं, तो जो एनिमल और प्लांट है वो सेल से बनेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट है वो सेल है। एंड ऑल सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। भाई ये सवाल आता है ना कि सेल कहाँ से आते हैं, तो सेल का बार बार डिवीजन होता है। आगे बढ़ेंगे आप, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है, तो सेल के बार बार डिवीजन से नए सेल की फॉर्मेशन, एक डिप्लॉइड होता है, एक हैप्लॉइड होता है, एक में सेल जो है वो आधे आधे हो जाते हैं, आधे आधे अमाउंट में, एक में डबल हो। तो ये सेल थ्योरी है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता लग रहा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल, जो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म हो, सिंगल हड्डी का नहीं, सिंगल सेल का, तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे जो है वो यूनिसेलुलर में काउंट। जितने भी फंक्शन है वो सब एक सिंगल सेल ही करता है, जब तक जिएगा तो वही काम करेगा, क्योंकि वो सिंगल सेल का बना हुआ है। जब वो डेड, मतलब ऑर्गेनिज्म डेड, तो चाहे फंक्शन हो, डिवीजन ऑफ लेबर हो या रिप्रोडक्शन हो, वो सिंगल सेल ही सारा क्रियाक्रम करता है। जहां तक बात है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो नाम से पता लग रहा है मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब मेनी, जिसमें कि बहुत सारे सेल, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन, अभी बताया था मैंने कि अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक्सक्रेटरी होता है, कोई लोकोमोशन होता है, कोई डाइजेशन होता है, अलग अलग फंक्शन है, तो उसके स्पेशलाइज सेल भी होते हैं। सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, स्पेशलाइज सेल, जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। दो सेल होते हैं, स्पर्म है, ओवा है, जो कि स्पेशली क्या होता है वो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट। प्लांट है, फंगी है, और जितने भी हायर एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब मल्टी सेलर के अंदर ही काउंट होते हैं। अब बात आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो काफी मिनट होते हैं साइज में, मिनट मतलब छोटा होता है, बहुत छोटे होते हैं, 10^1 से लेके 10^-6। और यूकैरियोटिक जो है वो फेयरली लार्ज होते हैं।
न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, डेवलप नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस कहें तो वो डेवलप होता है फुल्ली। ऑलवेज जो प्रोकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोजोम प्रेजेंट। न्यूक्लियस की आफत आ जाती है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस होता है। सेल डिवीजन बाय फीजन और बडिंग, सेल डिवीजन जो है अपना जो अपनी जो संख्या बढ़ाते हैं वो फीजन या बडिंग से बढ़ाते हैं, जबकि यहाँ मैंने कहा माइटोसिस होता है, मियोसिस भी होता है। बैक्टीरिया और ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो नाउ अब आ जाते हैं हम लोग सेल शेप। देखिए सेल के शेप जनरली जब हम देखते हैं, आपने भी छोटी क्लासों में प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बनाया है डायग्राम, तो जो जनरली हम देखते हैं जो डायग्राम बनाते हैं क्या उसी टाइप का सारे सेल होते हैं? नहीं, उनके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, कलमनर सेल हैं जो स्टमक में पाए जाते हैं, ट्रेकिया में सिलिएटेड होता है, इसी तरह से जो इंटेस्टाइन है वहां पे स्मूथ मसल्स होते हैं, स्ट्रिप मसल फाइबर होते हैं, तो नर्व सेल सबसे बड़ा सेल होता है। ये अलग अलग इसके जो सेल साइज होता है वो भी वेरी करता है, साइज ऑफ सेल वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक। और अगर कुछ बातें इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अब ट्रेंड में बहुत ज्यादा है, इस बार भी सीबीएसई ने कहा है, तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्या लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 13 सेंटीमीटर वाइड और लगभग 1.4 किलोग्राम वेट होता है उसका। और लॉन्गेस्ट जो है वो नर्व सेल है जो अप टू 1 मीटर होता है, एंड स्मॉलेस्ट सेल जो अभी तक पता चला है वो माइकोप्लाज्मा। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको ध्यान रख। अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। देखिए सेल के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक को न्यूक्लियस और एक को साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली होता क्या है, समझाते जा रहा हूं आपको। ये नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, आप यहां से नोट्स बनाएंगे और थोरली पढ़ेंगे, नो इफ एंड बट, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपकी हर एक सॉल्यूशन को देने के लिए तैयार। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सेल की बाउंड्री होती है और वहीं पे ये एक तरह से छानने का काम करती है। सेल में सबको जाना अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं अकड़म पकड़म सकड़म कुछ भी चला जाए सेल के अंदर, ना। सेल के अंदर जो सेलेक्टिवली चीजें जो परमिट की गई हैं, जो बताया गया है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, पास वही चीजें जा सकती हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ इज सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। बाउंड्री होती है, पहले भी बोला मैंने आपको, ये सराउंडिंग से इसको अलग करने का काम करता है, और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की,
एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर ये एकदम अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। वेयर प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के लेयर, बाय लेयर का मतलब डबल लेयर, दो लेयर के बीच में, क्या बीच में, सैंडविच, सैंडविच समझते हो, भीच देना, सैंडविच, कौन, प्रोटीन बीच में होता है। सिंगर एंड निकल्सन गेव द फ्लूड, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था इसका मॉडल। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रिन्यूटेड। फ्लेक्सिबल होता है, फोल्ड किया जा सकता है, टूट भी जाता है और रिन्यू भी किया जाता है। अब बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आखिर काम क्या होता है। तो अभी तो मैंने बताया आपको कि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। कौन आएगा कौन जाएगा सेल के अंदर और बाहर, ये बताने का काम, और ये वहां पे डंडे लेके खड़े होने का, चौकीदारी करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल। और दूसरा काम क्या है कि सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनल्स कहते हैं, या उसका न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है, उन सबको बाउंड्री देखे कि इस बाउंड्री के बाहर लक्ष्मण रेखा है, यहाँ मत कूद जाना, नहीं तो गए हो, तो वो प्रोटेक्ट भी करता है इस तरह से। अब रही बात कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो वो ऑस्मोसिस का वे है, जहां पे हायर कंसेंट्रेशन होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे किसी सेल के अंदर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट आउट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब सेल के अंदर जमा हो गया, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया ना काम, डाइजेशन हो गया तो उसको तो बाहर निकलना चाहिए। तो होता क्या है कि जो वहां से वेसल्स जा रही होती हैं, ब्लड वेसल्स, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है, जबकि सेल के अंदर अभी अभी डाइजेशन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या ज्यादा है। अब क्या होता है, ऑस्मोसिस शुरू, फ्यूजन शुरू हो जाता है। यानी डिफ्यूजन कैसे शुरू होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जाना शुरू हो जाता है। यानी कि हायर कंसेंट्रेशन कहाँ था, सेल के अंदर, वहां से जाने लगा वो कहाँ, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स को लेकर के लंग्स तक पहुंच जाता है, लंग्स से आपको पता ही है कि फिर वो नोस्ट्रिल से बाहर आता है और ऑक्सीजन इन होता है, फिर ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड वेसल जो है वो हर एक सेल के पास जाती है। अब क्या है कि जो ब्लड वेसल है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो क्या क्या होगा, फिर यहाँ पे वही प्रोसेस होता है कि ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सेल का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको डाइजेशन करना है, उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑन सेल। अब इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि और भी आगे क्या आते हैं। अब अगला जो ऑर्गेनल है वो शेल वॉल है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। पहले ही दिया प्लांट सेल, मतलब ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, वेरी क्लियर, नहीं पाया जाता है इसमें, एनिमल सेल। सेल वॉल इज रिजिड, इसका जो सेल वॉल है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। किसका बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल जो है वो किसका बना होता है, सेलुलोज, सेल वॉल जो बना होता है वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल आर ज्वाइंट बाय अ लेयर कॉल्ड मिडल लैमला। और बहुत सारे सेल है ना, तो एक का सेल वॉल जो है वो दूसरे के सेल वॉल से अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमला कहते हैं, एंड मैक्रोस्कोपिक चैनल कॉल्ड प्लाज्मो डेस्माटा फॉर ट्रांसपोर्ट। अब बताती है भाई सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये तो हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, तो सबसे पहली बात तो कि ठीक है, जैसे हमने देखा मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड परमेबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट साइज। और परमेबल होता है, हर एक टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे एंटर होते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियस की। देखते हो ना कभी कभी रास्ते में जाते जाते या कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई बुजुर्ग या वैसे भी लोग मिल जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तू फलनमा का बेटा है,
फलनमा का बेटा तो कैसे पहचान गया? वो ऐसे पहचान गया क्योंकि नाक नक्शा थोड़ा मिलता जुलता होता है ना। तो ये कथा कहा है, कहाँ से? ये हेरिडिटरी मटेरियल से, ये हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लियस से, माँ बाप के न्यूक्लियस से जब म्यूटेशन होती है तो माँ बाप के न्यूक्लियस से वो ट्रांसफर होता है किसमें? ऑफिस में। जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो आगे पढ़ेंगे आप, तो वो ट्रांसफर माँ बाप का कैरेक्टर हो जाता है। कैरेक्टर आगे पढ़ेंगे, दो तरह के होते हैं, एक को हम एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं और एक को इनहेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। जो माँ बाप से कैरेक्टर आते हैं, जो माँ बाप से जिनके कारण जो कैरेक्टर आ रहा है, जींस के कारण, तो वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है। लेकिन हम पैदा ले लिया हमने, अब हम कभी रशिया चले गए, यहाँ के इन्वायरमेंट में हम काले लग रहे थे, वहां गोरे होने लगे, बाल अलग होने लगे, या हमारा कैरेक्टर अलग होने लगा माँ बाप से, देन इट इज कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर, जो हमने अपने एनवायरनमेंट से लिया है, जो जो कैरेक्टर हम अपने एनवायरनमेंट से गेन कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अक्वायर्ड कैरेक्टर। तो न्यूक्लियस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं इसको, और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको 1831 में डिस्कवर किया था। अब बात आती है कि सॉरी, फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नॉन एज, देखो डीएनए की बात अभी मैंने की थी ना, अभी नेता थोड़े दिन पहले बहुत चिल्ला रहे थे ना, डीएनए खराब है, डीएनए अच्छा है, डीएनए 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 का मतलब होता है कि वो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को ये कैरी करता है। आगे इसको आप एलेबरेट करके पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट्स द सेल साइकिल। अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है भैया? मेटाबॉलिक दो तरह के होते हैं, एनाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है खाना बनाना, एंड कैटाबोलिज्म का मतलब होता है खाने को ब्रेक करना। दोनों को मिला करके तो हम कहते हैं मेटाबोलिज्म, यानी जिसमें कि खाना बन भी रहा हो, डाइजेस्ट भी हो रहा हो, वो हमारा सिस्टम जो है वो मेटाबोलिज्म है। तो मेटाबोलिज्म में ये जितनी भी एक्टिविटी होती है उन सब में जो है वो न्यूक्लियस हेल्प करती है। ठीक, दूसरी चीज, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर। अभी बता दिया आपको कैसे माँ बाप के शक्ल से आपकी शक्ल मैच करके लोग आपको पहचान जाते हैं। अब आती है बात साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लॉट। और साइटोप्लाज्म जो है वो कॉलिकर के ने 1862 को ढूंढा था। और इसके अंदर अगर हम देखें तो एक तो दो पार्ट होते हैं, एक साइटोसोल होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है। एक्वस सोलुबल पार्ट कंटेन्स वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। इट कंटेन्स अबाउट 90% वाटर, 7% यानी सबसे ज्यादा जो है पावर जो अमाउंट है वो। अब बात आती है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें ऑर्गेनल्स आते हैं। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वो ईआर में, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, लाइसोसोम है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे आते हैं। दीज टू ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए मटेरियल, इनमें अपना डीएनए मटेरियल होता है। और जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कोई कंटेंट नहीं। अब यहां से हम लोग चलते हैं ईआर पे, एनडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। पोर्टर, क्लाउड और फुलम ने इसको डिस्कवर किया था। दे आर प्रेजेंट इन सेल, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमिल। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक में ईआर नहीं होता है, या मैमेलियन जो खास करके क्राइथोसाइट्स होते हैं उसमें नहीं होता है, बाकी सब। अब ईआर के बाद हम लोग चलते हैं, दो तरह के ईआर होते हैं, एक स्मूथ ईआर होता है, एक रफ। नाम से पता लग रहा, स्मूथ चिकना ईआर, रफ जो है वो रहेगी। तो जो स्मूथ ईआर होता है वो ट्यूब्यूल्स ही होते हैं उसमें,
उसमें ट्यूबुल्स ही होते हैं, और जो रफ ईआर होता है उसमें वेसिकल्स होते हैं। इसी तरह से जो स्मूथ ईआर होता है वो स्टेरॉइड, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स थेसिस करने में काम आता है। स्टेरॉइड देखते हैं ना, वो जिम वाले भैया आजकल बहुत देते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ईआर, बस इसका इतना ही काम है। जो स्मूथ होते हैं राइबोसोम आर प्रेजेंट, और जो रफ होते हैं कंटेंस राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। अब ये तो इसके हो गए फंक्शन, मैंने आपको बता ही दिया है वैसे अभी कि इट इज ऑनली ऑर्गेनल विच सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इट इज ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद करना है आपने, कि इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है गोल्जी अपरेटस की, और जो गोल्जी अपरेटस है कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स एंड पैरेलल टू ईच अदर सैक्स पोर्स। इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट। अब गोल्जी बॉडी का एक्चुअली अभी फंक्शन तो हमने पढ़ा कि इट इज इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में गल्जी बॉडी का, गल्जी अपरेटस का बड़ा रोल होता है, क्योंकि लाइसोसोम आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसको हम बैग ऑफ डेथ कहते हैं। तो सेक्रेटरी इन नेचर हेल्प्स इन मेंटेन सिंथेसिस, सॉरी मेलानिन सिंथेसिस, इसके सिंथेसिस में काम यूज आता है, एंड इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के भी सिंथेसिस में इसका काम आता है। अब आ जाती है बात माइटोकॉन्ड्रिया की, अगला जो ऑर्गेनल है आपको जानते हो, इसे पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी के रूप में जब हम कुछ खाते हैं, डाइजेशन जो है फाइनली उससे जब हम एनर्जी एसिमिलेशन जिसको करते हैं, जब गेन करते हैं, तो उस समय वो एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जमा हो जाती है, और जब हमें दिन भर में जरूरत पड़ती रहती है, कभी हम फास्ट पे होते हैं, भूखे होते हैं, तब भी वही वाली एनर्जी हमारे काम आते रहती है। तो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने दिमाग में रखना ही रखना है। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लेंगे, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, एंड ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन कोडेड बाय द न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज अप टू साइटोप्लाज्म राइबोसोम, द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड टू मैसेंजर। अब डीएनए वाला जो कोड है, जैसे आपने पढ़ा है ना कि वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, तो वो इस तरह से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। भाई प्लास्टिड इट इज डबल डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ऑनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, और प्लास्टिड्स आपने पढ़ा है तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है एंड क्लोरोप्लास्ट। तो अब बात आती है कि ल्यूकोप्लास्ट में क्या है। द प्राइमरी फंक्शनिंग इज स्टोरेज स्टार्च ऑयल प्रोटीन वाइट फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट्स सच एज रूट। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इट इम्पार्ट्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, देखते हैं ना कलर देने में काम आता है। एंड क्लोरोप्लास्ट
ग्रीन होते हैं कलर में। आपको खूब नाम सुने सुना होगा आपने कि क्लोरोफिल क्या होता है। भाई क्लोरोफिल है ना वो ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें प्लांट अपना सा खाना खुद ही बनाते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट से ही तो सिंथेसाइज होता है। अब क्लोरोप्लास्ट को डीपली इतना नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं वैक्यूल्स पर, और वैक्यूल्स देख रहे हो आप, ये ऑर्गेनल है, दीज आर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन्स बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का जो है वो कंट्रोल करता है, और जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जब खाना बनता है या डाइजेशन होता है तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं वो ये वेस्ट प्रोडक्ट वाटर शुगर प्रोटीन। अब आती है बात लाइसोसोम, और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? बैग ऑफ डेथ। क्यों भाई? लाइसोसोम में आरबीसी नहीं होता है, रेड ब्लड सेल का कोई काम नहीं है। लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय गॉल्जी एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर। ये दोनों काम आते हैं, एक तो गॉल्जी बॉडी भी और ये जो आरईआर। फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन कुछ नहीं है, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरन मटेरियल एंड। तो सुसाइडल बैग मैंने आपको बता दिया कि भाई इसीलिए कहा जाता है सुसाइडल बैग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये लाइसोसोम ब्रस्ट होता है, फटता है, तो सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, और जो जो ऑर्गेनल मिलता है उनको फटाफट खा जाता है। सुसाइडल बैग इसीलिए कहा जाता है। तो प्लांट और एनिमल सेल में आपने क्या पढ़ा कि भाई कंटेन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में, जबकि उसमें नहीं होता है, अपना खाना बनाने का कोई मतलब नहीं बनता उसको। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में 5 से 6 डिफरेंसेज आपको अपनी कॉपी में नोट करना ही करना है और पढ़ना ही पढ़ना है। जहां तक सेल डिवीजन की बात है, मैं बहुत बार कर रहा था कि माइटोसिस और मियोसिस, तो बात उसी पे आ जाते हैं हम लोग कि माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड, इसमें कि अधिकांश डिवाइड हो जाते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस इस सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू, मदर सेल होते हैं डिवाइड होकर के 2 सेल बना लेते हैं, इसके डॉटर सेल बनते हैं। मियोसिस स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस Which involves two consecutive division। अब ये मामला जो है माइटोसिस मियोसिस के साथ ही खत्म हो जाता है। अब क्या रही बात? अब रही बात कि मैंने आपको थोरोली ओवरव्यू दे दिया है, अब आगे की कहानी आपके हाथ। आप जितना थोरोली पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, नोट्स को देखेंगे, उतना ही ये शार्प होगा, और हम शार्प ही तो चाहते हैं। यही तो हमारा बस एक सपना है कि आप शार्प है ना। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहें, हाथ से हाथ बढ़ाते रहें, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दें, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।